हरे कृष्णा अध्याय एक श्लोक नंबर 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवति उत। अर्थ, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो ये था तात्पर्य। दोस्तों, यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने एकदम स्पष्ट से बताया है जो अर्जुन असलियत में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से जो अर्जुन कह रहे हैं, कहने वाले हैं जो भी कृष्ण को, ये सब कलयुग के लक्षण दिखाई दिए हैं जो अर्जुन कह रहे हैं। असलियत में वो एक तरह से ठीक कह रहे हैं जो कलयुग में हम देखते हैं। यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की है श्रीला प्रभुपाद ने। वर्णाश्रम जो हमारे सनातन धर्म का स्तंभ है, पिलर है। वर्ण मतलब चार वर्ण, आश्रम मतलब चार आश्रम। अब चार वर्ण क्या है? चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चार आश्रम वो है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो हमको ये आगे जाके भगवान पूरे विस्तार में बताएंगे अर्जुन के द्वारा। तो इसमें, इस व्यवस्था में हम लोगों को ऐसे, मतलब भगवान ने रची है हमको ऐसी सुविधा, ऐसे सिस्टम बनाया है कि हम इस प्रोसेस से अगर जाएंगे तो आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। ये श्रीला प्रभुपाद ने स्पष्ट यहाँ पे बताया है और ये सही बात है। इसमें थोड़ी देर लगती है बट पहुँचेंगे हम। तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं। अगर इसकी नींव जो कि है वयोवृद्ध लोग, मतलब ओल्ड सीनियर मेंबर्स हमारे घर के, अगर उनको ही मार दिया तो जो पीढ़ी है, आगे की आने वाली पीढ़ी है, बच्चे, उन वो कहाँ से संस्कार लेंगे, वो कहाँ से सीखेंगे? जबकि वयोवृद्ध ही जो लोग हैं घर के बड़े, उनसे ही हम सीखते हैं बच्चे। तो वयोवृद्धों का ही मृत्यु हो गया तो शिक्षा कौन लेगा, संस्कार कौन करेगा? जो हम लोग जन्म से लेके गर्भधान संस्कार, जिसमें हम बोलते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके मृत्यु तक, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, ये यहाँ से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी हमारी संस्कार हमको इसमें बताया है सनातन धर्म में। ये क्योंकि प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है दोस्तों, ये हमारी शुद्धिकरण के लिए होती है। ये एक एक जो हमारा, जैसे जन्म हुआ, परवरिश हुई, बढ़ना हुआ, फिर यौवन काल हुआ, ये एक एक ऐसे एक प्रोसेस है जहाँ पे ये संस्कार हमको दिए जाते हैं। और आज भी कुछ प्रांतों में ये फॉलो बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रिय फैमिलीज़ में। तो ये जो था अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि अगर हम इन बड़े लोगों को ही मार देंगे तो कौन इन, मतलब मुक्ति का लाभ, जो ये अधर्म व्यसनों में लग जाएंगे जो बच्चे, तो इनको कौन, मतलब मुक्ति का लाभ, मतलब मोक्ष का लाभ कौन बताएगा? ये बड़े बूढ़े तो हैं जो हमको बताते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है ना? तो मतलब लोगों को लगता है कि क्या बार बार टोक रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर जो ये वर्णाश्रम धर्म फॉलो करते हैं सनातन धर्म का, उनको ये ठीक से सब पता होता है, ये सब संस्कारें, तो वो बराबर से अपने पीढ़ी को समझाते हैं कि क्या गलत है, क्या गलत नहीं है।
तो आजकल हम देखते हैं कि परवरिश के नाम पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म से लेके पाश्चात्य धर्म में चले गए हैं, जहाँ पे माँ बाप होते हुए भी बच्चों को संस्कार ठीक से नहीं मिल रहा है और बच्चे मन चाही अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये हम साक्षात हमारे आँखों से आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। तो ये जो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, ये एक तरह से सही बात है जो कलयुग में हम आजकल देख रहे हैं। ऐसे आगे वाले आने वाले श्लोकों में वो और भी सब कृष्ण को बताएंगे कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होगा, उसके जो हम जिम्मेदार होंगे। तो इस श्लोक का ये मतलब था कि मतलब अधिक कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं करना चाहिए, ऐसे अर्जुन का कहना है कृष्ण को। तो दोस्तों, यहाँ पे ईश्वर को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है उसका जो सोर्स है, मूल है, सब जाके कृष्ण भगवान पे ही रुकता है। ईश्वर मनुष्य के जीवन का जो वास्तविक समस्या, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि और तीन क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन सब से बचे कैसे, ये सब क्यों हो रहा है, इसका मूल कारण कौन है, ये जानना आवश्यक है हमको, है ना। सभी कारणों के कारण कौन है, प्रत्येक वस्तु के उद्गम को जानने की आवश्यकता है। तो भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, ईश्वर की परिभाषा क्या है, जो समस्त चराचर के उद्गम है और सभी कारणों के कारण है, है ना। तो परम नियत्ता और सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक है, वो समस्त सृष्टि के स्वामी है और वो परम भोक्ता भी है। ही इज द अल्टीमेट एन्जॉयर, वी आर नॉट द एन्जॉयर, वी आर बीइंग एन्जॉयड। सो तो फिर ये क्या मतलब, कैसे और किससे ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करें हम, जिससे इन वास्तविक समस्याओं का हमें हल मिले और मूल कारणों को हम जान सके, और जो अभी वर्णाश्रम धर्म का शीला प्रभुपाद ने बताया है, उससे कैसे हम उससे आगे बढ़ सके और अपने बच्चों को भी ये अज्ञान का जो आजकल चल रहा है, इग्नोरेंस, डार्कनेस जो है, वो कैसे दूर करे और बच्चों को अपने अच्छे संस्कार कैसे दे। तो किस तरह से हम ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीन तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो हम लोग अपने पंच इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, आँख, नाक, मुँह, स्पर्श, है ना, और नाक, कान, ये पांच हो गए, मुंह, आँख, नाक, कान और स्पर्श, पांच इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं। बट कहा जाता है कि ये अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि कलयुग के जो जीवों में जो लक्षण देखे गए हैं, दोष देखे गए हैं, वो चार प्रकार के हैं। वो क्या है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है, लिमिटेड है उसकी इंद्रियां, उसकी इंद्रियां पर्टिकुलर स्टेज के बाद उसके आगे नहीं देख सकती। आंखें दीवार के पीछे क्या चल रही है वो नहीं देख सकती। अगर दूर से कुछ स्मेल आ रहा है तो हम उसको सूंघ नहीं सकते, दूर की दृष्टि हमको नहीं है। या फिर हम कुछ ऐसे ये भी नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं स्पर्श करना। तो ये अपूर्ण हो गई हमारी इंद्रिया, इससे हम आकलन नहीं लगा सकते कि भगवान कौन है। फिर जो है हम दूसरी जो चीज़ है वो है, हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं ये जो भौतिक संसार में कलयुग का ये मेन लक्षण है कि जीव हमेशा गलती करता है, त्रुटि करता है, मिस्टेक करता है, ये उसका स्वाभाविक स्वभाव है। और तीसरा जो है वह हमेशा मोहग्रस्त रहता है, हमेशा धोखा खाते रहता है। और चौथा है वो धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये चार लक्षण दोष देखे गए हैं कलयुग के जीव में। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो उससे हो ही नहीं सकता, तो ये छोड़ देते हैं।
तो दूसरा है अनुमान प्रमाण, मतलब देख के अनुमान लगाना, मानसिक कल्पना करना, तर्क वितर्क करना। उदाहरण जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं के अंदर बैठ के सोचता है कि हाँ विश्व तो इतना बड़ा होगा, मगर फिर वो क्या आकलन लगाएगा। जब वो कुएं के बाहर आया तब वो खुद बेहोश हो गया, अरे ये तो संसार तो बहुत बड़ी है, हम तो अंदर बैठ के बस बातें ही बना रहे थे। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है, इसको भी हम अपना नहीं सकते ईश्वर को जानने के लिए, अनुमान प्रमाण जो है। तीसरा है शब्द प्रमाण, ठीक है। शब्द प्रमाण क्या है? ये है अधिकृत व्यक्ति से श्रवण करने से प्राप्त किया हुआ ज्ञान। जैसे पुत्र उदाहरण के तौर पे, जैसे जो रहता है ना बेटा, पुत्र, वो अपने पिता के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि मेरा पिता कौन है, कौन है मेरा पिता। तो कौन बताता है उसको उसका पिता कौन है? माँ ही तो होती है ना जो उस पुत्र को बताती है कि पिता कौन है उसके। हैं पिता है बेटा, ये तुम्हारे, इनके पास जाओ, इनका आशीर्वाद ले लो। तो माँ ही होती है जो पुत्र को, बच्चों को बताती है कि ये तुम्हारे पिता है। ये है शब्द प्रमाण, मतलब हमको बताते हैं, हम देखते हैं हाँ ये है करके। तो ये शब्द प्रमाण हुआ। तो अभी ये माँ जो है ये कौन है, पुत्र कौन है, पिता कौन है? तो माता जो है वो है शास्त्र, हमारी शास्त्र। हाँ दोस्तों, शास्त्र, भगवद गीता, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, ये सब वेद हमारी माता है। ये हमको बताते हैं कि हमारे पिता मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहाँ है और हमको वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं। और पुत्र और कोई नहीं, हम जीवात्मा हैं जो यहाँ पे अनंत काल से फंसे हुए हैं। तो हमको किसके पास जाना चाहिए? शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, माता है हमारी शास्त्र, तो उससे हमको पूछना चाहिए कि कौन है हमारे पिता। तो ये हम व्यक्ति से भी जो इसका पूर्ण ज्ञान है उससे हम ले सकते हैं, या कि स्वयं उसको शास्त्र को खुद ग्रहण स्वयं कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान तो शास्त्रों में ही निहित है, शास्त्र भगवान की ध्वनि प्रतिनिधि है ना। तो भगवान कहते हैं, भगवान के मुख से निकला हुआ जो शब्द है, ध्वनि है, वो है शास्त्र, वेद, है ना। तो वेद का अर्थ क्या है? संस्कृत में वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद मूल शास्त्र है, ठीक है। तो अधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करने का आवश्यकता क्या है? इससे हमारा समय बचता है। दूसरा, विकल्प नहीं है हमारे पास, हम गलत सलत लोगों के चंगुल में फंस के हम भटक सकते हैं। हम जाना है भगवत धाम और कहाँ जाएंगे फिर? अगर गलत सलत संगत में पड़ गए तो नरक में जाना होगा हमको। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो भगवत गीता भागवतम को सही प्रमाण से जानता है और हमेशा कृष्ण के बारे में, मतलब भगवान के बारे में ही हमेशा बात करता है। वही सच्चा व्यक्ति है और वही हमको अपने परम लक्ष्य तक लेके जा सकता है। यह सुरक्षित है दोस्तों, ये याद रखिएगा। विभिन्न शास्त्र विभिन्न श्रोताओं के लिए है और समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार प्रकट होते हैं। टाइम, प्लेस और समय सर्कमस्टेंसेस जैसे मैंने आपको कहा वैसे चेंज होते हैं। तो वेदों में बहुत सारी ऋचाएँ हैं, ब्रांचेस हैं, तो हम नहीं समझ सकते कि कौन सा पुराण पढ़े, कौन सा उपनिषद पढ़े, कौन सा श्रुति ज्ञान ले, स्मृति ज्ञान ले। तो कमेंट्रीज होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, किंतु सार एक ही रहता है ना। अलग अलग शब्दकोश है बट एक ही होती है सबकी निचोड़, मतलब भगवान को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण की सानिध्य को पाना। तो कलयुग में जो महत्वपूर्ण शास्त्र जो बताया है दोस्तों, रेकमेंड किया है हम लोगों के लिए, जो सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, जो मैं हमेशा हमको शास्त्र बार बार याद दिलाती है और मैं भी आपको याद दिलाती हूँ, वो है जो हम अभी ग्रहण कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद्गीता
और दूसरा जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसका ग्रहण करने से पूर्णता से जीव को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनको हमें अप्रोच कैसे करना है। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, श्री कृष्ण भगवान ही है। और शास्त्र हमारी माँ है जो हमको बताती है भगवद गीता भागवतम कि आपके पिता यहाँ है, आपके वेलविशर यहाँ है, आपके कंट्रोलर और मेंटेनर यहाँ है, आप इस रास्ते से उनको तुरंत मिल सकते हो। तो वो रास्ता क्या है, बहुत ही सिंपल है, जो हम रोज़ करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।